अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ टीएम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमर्शियल किचन। बस दोस्तों, आज एक और ट्रेडिशनल देसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अंदरूने पंजाब और स्पेशली हज़ारा डिवीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लो बजट रेसिपी है, आम घरानों के अंदर अमूमी तौर पर अक्सर बनाई जाती है। आज हम इसे बनाएंगे अपने तरीके से, अपने अंदाज से, जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम दही और बेसन को ब्लेंड कर लेंगे। ये मेरे पास आधा किलो दही है, इसके अंदर तकरीबन 60 से 70 ग्राम बेसन शामिल करेंगे और 1 लीटर पानी, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके हम इसे एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम अपना करी का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम बेसन है जो मैंने इसमें शामिल किया है और 1 लीटर पानी शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, और ब्लेंड करने के बाद इसे हम एक साइड पर रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे अपना कड़ी पकौड़े का मसाला बनाने का। नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं, कड़ी पकौड़े का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हम एक पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे प्याज, और इसे हमने लाइट ब्राउन कर लेना। तो दोस्तों, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। उसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसे सोते करेंगे, और तब तक हम इसे हल्की आँच के ऊपर पकाएंगे जब तक कि टमाटर पानी नहीं छोड़ देते। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस। तो दोस्तों, ये देखें, हमारे टमाटरों ने पानी छोड़ दिया और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं ड्राई स्पाइसेस, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। कोई भी सालन बनाने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो मसाला है। आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना अच्छा उस सालन का जायका आएगा। तो ये देखें दोस्तों, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो जो हमने लस्सी बनाई थी, यानी कि दही, पानी और बेसन का जो घोल था, मेलूल था, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके साथ हम एक्स्ट्रा 1.5 लीटर पानी मज़ीद इसके अंदर शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसे दरमियानी आँच के ऊपर ढककर पकने देंगे। दोस्तों, पानी भी शामिल हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर तकरीबन 1/2 घंटा पकाएंगे धीमी आँच के ऊपर। तो दोस्तों, जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है, हम दूसरी तरफ पकौड़ों का मैश बना लेते हैं। इसके लिए ये मेरे पास 1/2 किलो बेसन है, इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप करके शामिल करेंगे, 2 अदद दरमियानी प्याज चॉप करके शामिल करेंगे, और 1 अदद आलू दरमियाने साइज़ का चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, एक से 1.5 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मीठा सोडा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे हम घोल लेंगे, अच्छा सा मैश बना लेंगे। और मैश बनाने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे। जब हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी तो हम ये पकोड़े फ्राई करके उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, तकरीबन 1/2 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं हमारी कड़ी किस पोजीशन के अंदर है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी कड़ी ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसे एक साइड पे करके हम पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई करने के बाद हम इसे एक ज़बरदस्त तड़का लगाएंगे। तो दोस्तों, पकोड़े फ्राई करने के लिए किसी भी कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 लीटर ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। गर्म करने के बाद उसके अंदर हम इस तरह करके
पकोड़े बना लेंगे और इन पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल के कढ़ी के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकोड़े दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। आपने इसी तरह से फ्राई करना है, इन्हें बहुत ज़्यादा लाल या ब्राउन नहीं करना और ना ही इन्हें जलाना है। इसे हम अब टॉवल पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो टॉवल पेपर के अंदर जज्ब हो जाए और उसके बाद हम इसे शामिल कर देंगे कढ़ी के अंदर। तो ये देखें दोस्तों, हमने कढ़ी के अंदर इसे शामिल कर दिया और अब हम इसे हल्के से मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख देंगे और इसका हम तैयार करेंगे तड़का। उसके लिए हम एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच घी ले लेंगे। उसे हम गर्म करने के बाद आधा चम्मच जीरा, 5 से 8 अदद कड़ी पत्ते, इतने ही तादाद में गोल लाल मिर्च और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई दो पीस के अंदर हम इसे कर लेंगे, दरमियान से काट के फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से कड़का लेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी इस कढ़ी के ऊपर शामिल कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त कढ़ी हमारी तैयार हुई है तड़के के साथ, इतनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। आप इसे चपाती और बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे बॉयल राइस के साथ खाना पसंद करते हैं, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। यकीनन आप लोग इंजॉय करेंगे, आप लाजमी से बनाएं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ शेफ टी एम मलिक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।